अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज अबाउट 2.2 एक्सरसाइज सिमल्टेनियस इक्वेशन, वही चैप्टर वही मतलब उसी बुक में से एडिशनल मैथमेटिक्स में से, ठीक है। तो 2.2 जो है हमारी ये एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये जो कह रहे हैं सॉल्व द पेयर ऑफ पेयर्स ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस, ओके। एंड इसी का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। इसी लेक्चर में हम तीन क्वेश्चन करेंगे सिर्फ, और फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब ये क्वाड्रेटिक, अब 2.1 में क्वाड्रेटिक नहीं थी, वहां पे हमारे लीनियर इक्वेशंस थी, यहाँ पे क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसका मतलब है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं तो हमारे पास एक्स के वैल्यू भी 2 आते हैं और वाई के वैल्यू भी 2 आते हैं, जो भी वहां पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई 2 है, तो मतलब वाई के वैल्यू 2 आएंगे और एक्स के वैल्यू 2 आएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब देखें कहीं कहीं पे हमें जो है वो एलिमिनेशन मेथड करना पड़ता है और कहीं कहीं हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हमारा एलिमिनेशन मेथड से हो रहा है, देखें कैसे हो रहा है वो देखें, क्या कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप x x के नीचे रखें, y y के नीचे रखें, जो हमारे पास प्रोसेस है। तो देखें ये माइनस 4x है, माइनस 4x को यहाँ पे आप रख दें, यहाँ पे आप प्लस वाई स्क्वायर रख दें, इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0 है, जो कि यहाँ पे है। अब देखिए ये 2x है, 2x इसके नीचे रख रहे हैं, ये पॉजिटिव क्या है और प्लस ये क्या हमारे पास y है, इज इक्वल टू क्या है 4 है, ठीक है। अब भले ना इसको आप अब देखें, मैं इसको 4 करना चाहूं, यहां पे अगर 4x होता तो ये कट हो जाते, तो 4x बनाना भी हमारे मतलब की बस की बात है ना। मैं देखें अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूं तो 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ इसके साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसके साथ भी करूंगा, इसके साथ भी करूंगा, तो जैसे मैं मल्टीप्लाई कर यहीं पे कर दूंगा, समझते जाएं, फिर आप स्क्रीनशॉट निकाल के भेज रहे होते कि ये समझ नहीं आया। देखें यहां पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं सिर्फ इसको ऐसे करूं, छोड़ दूं और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 है, यहां पे अगर 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 8 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, तो 4x कट हो गए, क्योंकि ये ऑलरेडी कट हो सकते थे, इसको सिंबल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखें तो ये कि देखें ये y स्क्वायर है, ये 2y है, हम इसको 3y स्क्वायर नहीं रख सकते, हाँ यहां पे ये अलग है, ये अलग है, y तो सेम है बट y स्क्वायर है, ये y है, तो हम क्या करते हैं इसको y स्क्वायर ये प्लस 2y इज इक्वल टू 8 रख देते हैं, ठीक है। 0 प्लस 8 ही होगा, ये 8 रख दिया, ठीक है। अब वही तरीका जो है जैसे कि हम फैक्टर्स निकालते हैं वही सेम तरीका करें, आगे समझ देखें y स्क्वायर, अब देखें y स्क्वायर इसको हम फैक्टर में निकालूं तो y स्क्वायर ये प्लस 4y बचेगा, ये माइनस 2y होगा, ये माइनस 8 होगा, ये मैंने फैक्टर्स निकाले, ठीक है। अगर आपको फैक्टर्स निकालना नहीं आ रहा है तो आप मतलब के फैक्टर जो मेरे चैनल में इसी हमारे चैनल में है और मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो वीडियो देख लें आप फैक्टर्स के, ठीक है। अब देखें ये फैक्टर्स निकाले, y कॉमन निकाला मैंने तो y प्लस क्या बचा 4, यहां से मैंने कॉमन क्या निकाला 2, माइनस 2 ये y प्लस क्या बचा ये 4 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कहेंगे ये कैसे, अब देखें मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा देता हूं। देखें ये जो कॉमन यहां से ऐसे निकालो कि मल्टीप्लाई करो तो हमारा माइनस 8 आए और अगर उनको एड करो तो हमारा 2y है, तो प्लस 4y माइनस 2y तो प्लस 2y आएगा, क्योंकि माइनस 2y 4y से गए। अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 इंटू 2 कितना जाता है 8, तो 8 और प्लस इंटू माइनस 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 का 8 बच गया। अब कॉमन यहां से निकाला था मैंने 2, माइनस का 2, यहां पे माइनस है, माइनस का 2 कॉमन निकाला, 2 तो निकाला, यहां से 2 निकल गया, बचा क्या y हमारा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, y बचा फिर माइनस 2 मतलब माइनस 8, माइनस इंटू माइनस प्लस दिया मैंने, फिर 2 को डिवाइड किया इससे तो क्या बचा 4 आ गया मेरा, ठीक है। अब देखें इसको अगर मैं सॉल्व करूं क्या आएगा, माइनस ये बचेगा ये y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से जो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आप करें और y प्लस 4 इज इक्वल टू आप करें 0, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 2, आपके एक पास ये आ गया, एक y इज इक्वल टू माइनस 4। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगे y की भी और x की भी, y हमारे पास ये आ गई, तो देखें हमारे पास 2 इक्वेशन थी, आप इसमें पुट करें या इसमें पुट करें कोई मसला नहीं है, यहाँ पे पुट करना इजी रहेगा, तो आप y और x की y की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट y इज इक्वल टू 2,
इन इक्वेशन टू, इसको अगर हम टू का नाम दें, टू का, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये 2x है, ये प्लस क्या है हमारे पास, 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहां पे y की जगह 2 आ गया, ये 2x यहीं पे रहेगा, तो 2x इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाए तो 2 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या है, 1 हमारा पास आएगा, 2 ये पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 2 इधर जाकर डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। x इज इक्वल टू 1 कब आया, जब हमारे पास y इज इक्वल टू 2 था, y इज इक्वल टू 2 मैंने यहां पे रखा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ गई, तो ये पेयर जो बनेगा वो 1 कॉमा 2 बनेगा, हम ऐसे भी इसको रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। अब y इज इक्वल, जब मैं -4 पुट करता हूं यहां पे, जब मैं यहां पे -4 पुट करूं y, तो देखें क्या है, 2x -4 इज इक्वल टू यहां पे 4 है, तो 2x ये इधर चला जाए, माइनस का यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो 2 यहां पे होगी डिवाइड होगा 4, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या 4 हो जाएगा। तो देखिए यहां पे मेरा जो हमारे पास पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा कि 4 कॉमा -4, 4 जो है वो x का होता है और लास्ट में जो आता है हमारे पास वो क्या होता है हमारे पास वो y की है, हमने y -4 रखा तो हमें x +4 मिला, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। इसके सोल्यूशन क्या मिले, y = 2, y = -4 एंड x = 1 एंड x = 4, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, क्या कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके एग्जाम में, अब ये तो हमारा कोर्स है पूरा, मतलब कि एक बुक है, बट एग्जाम में, एमसीक्यूज एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे आते रहते, व्हाट विल बी द एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आइए अगर सिमल्टेनियस इक्वेशन दी गई हो तो ऐसे कैसा, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, 2.1 में तो हमारे पास ईजी थे बट ये कैसे करेंगे। हाँ, तो यहां पर देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि कभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, कभी हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड करते हैं, तो इसमें जो हमारे पास सुइटेबल जो हमारे पास है वो है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यहां से हम x का वैल्यू निकालें, वो x की जगह पुट करते हैं, या हम y का वैल्यू निकालें और y की जगह पुट करते हैं। देखें, अगर मैं यहां से सोचूं, क्योंकि हमने ना क्वेश्चन को ईजी करना होता है, सोचना होता है कि जितना हो सके हम उसको ईजी करें। हाँ, देखें यहां से अगर मैं y का वैल्यू निकालता हूं, तो y का वैल्यू मतलब यहां पे x आ जाएगा, यहां पे x आ जाएगा, हमें और जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात खत्म। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, y यहां पे रखता हूं, तो मतलब x जो है इस पे भी आ जाएगा और जिस स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, मतलब के स्क्वायर का मतलब फार्मूला आ जाएगा, फिर मैं वही x यहां पे भी पुट करूंगा। देखिए, अगर मिसाल के तौर पर मैं यहां से x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, ये इक्वेशन 3 दो इसको, ठीक है, ये 1 है मिसाल के तौर पर, ये हमारे पास 2 है। अब देखो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझा रहा हूं मैं, अगर x की वैल्यू में पुट करता हूं, तो अगर मैं इस इक्वेशन में x पुट करता हूं, तो देखें 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई, ये यहां पे y प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए, x की मैंने वैल्यू निकाली है, तो x की वैल्यू, x की जगह मैं ये पुट करूंगा ना, यहां पे x की जगह ये मैंने पुट किया, यहां पे x है, ये मैंने पुट किया। अब इसका मैं फार्मूला निकालूं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूं, फिर इसको मैं y से मल्टीप्लाई करूं। अब अगर मैं सोचूं, या इससे पहले कि मैं इस लंबी कहानी में अगर जाने से पहले थोड़ा मैं सोचूं कि भाई यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं, यहां से y इज इक्वल टू 2 माइनस x, यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं 2 माइनस x, अब इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब पुट द इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2, अगर मैं इसमें पुट करूं, देखें 2x स्क्वायर यहां पे आएगा, इससे कोई वास्ता नहीं है y का, क्योंकि हमें y की वैल्यू y में ही पुट करनी है। तो यहां पे देखिए, ये प्लस है, ये x है, और यहां पे y, y क्या है हमारे पास, 2 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, थोड़ा बहुत इजी हो गया, यहां पे हमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यहां पे सिर्फ x मल्टीप्लाई करना है एंड देन हमें सॉल्व करना है। देखिए, ये 2x स्क्वायर है, ये x अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये माइनस क्या हो रहा है, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस x स्क्वायर, ये माइनस x स्क्वायर है, ये प्लस 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये प्लस 2x स्क्वायर, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर, जस्ट x स्क्वायर, प्लस 2x, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो x की वैल्यू क्या निकलेंगी, 2 निकलेंगी, दो वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। देखें, अब इसमें से फिर मैं फैक्टर निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये प्लस मैं x, ये प्लस x कर सकता हूं, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, पॉजिटिव का ये x प्लस x, ये 2x हो जाएगा, इसको मैं ऐसे फैक्टर निकाल सकता हूं।
अब यहां से मैं कॉमन निकालूं x, ये x प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस यहां से मैं 1 निकालूंगा, 1 ये x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई समझ, ठीक है। तो देखिए यहां से ये x प्लस 1 ये फैक्टर निकल गया, ये x प्लस सॉरी 1 ये 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। देखें वैल्यूज हमारी दो आई है बट एक ही वैल्यू आई है, डोंट वरी अबाउट दैट। एक्स की वैल्यूज दो आई है हमारे पास बट एक वैल्यू आई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू तो दो ही आती हैं बट ये जरूरी नहीं है कि वो दो डिफरेंट हो, ज्यादातर डिफरेंट आती हैं बट ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो। देखें इक्वेशन की वैल्यू दो आई है, एक्स की वैल्यू क्या आई है, दो आई है बट दोनों हैं तो अलग बट डिफरेंट नहीं है, मतलब एक्स की यहां पर अलग है यहां पर अलग है बट डिफरेंट नहीं है, माइनस वन आया है। अगर x की वैल्यू ये दो हैं और सेम है इसका मतलब है कि x y की वैल्यू भी सेम होगी। देखें अब इसी इक्वेशन में पुट करके y वैल्यू को इसमें अगर करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होगी, इसमें आप करते हैं तो y की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखें क्या हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो और टू है, x के इज इक्वल टू माइनस वन, भले ये पुट करें भले वो पुट करें फर्क नहीं पड़ने वाला। ये माइनस वन यहाँ पे मैंने पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू क्या टू, तो माइनस वन वहां पर जाता तो y इज इक्वल टू क्या बन जाता है थ्री। तो y की वैल्यू सिर्फ एक नहीं आएगी, y की वैल्यू भी दो आएगी क्योंकि x की वैल्यू अगर दो है बट y की वैल्यू भी सेम आएगी। अगर x की वैल्यू सेम है, x की वैल्यू सेम है ना, तो y की वैल्यू भी वही आएगी। अगर मैंने मिसाल के तौर पर ये माइनस वन पुट किया तो थ्री आया, मैं ये पुट करूंगा फिर भी थ्री आएगा, मतलब y की वैल्यू भी दो ही आएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखें, इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर थर्ड है बट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ किसमें, बुक में है। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप अगर देख लें, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप बुक में आराम से फाइंड कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव है, x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। नाउ इट्स अ स्टेप टू यू दैट हाउ यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। You don't know. I think you know very well, but कुछ conditions ऐसी तो जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आ रही है कैसे करें। आप कर भी लेंगे यहाँ से भाई या x की वैल्यू निकालें पुट करें आपके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा। देखें मिसाल के तौर पे इसको इसको मैं क्वेश्चन फर्स्ट देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ कि x इज इक्वल टू फाइव माइनस वन लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये x जो वैल्यू है मैं यहां पे पुट कर दूं तो क्या होता है, माइनस वाई माइनस वाई ये प्लस वन होल स्क्वायर ये प्लस ये y प्लस वन ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब ये देखें ये माइनस वाई है ये प्लस क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा फाइव प्लस वन। अब इससे पहले अगर इससे जान छुड़ानी है तो आप क्या करें कि ऐसे स्टेप से पहले अब जस्ट इसको सॉल्व करें, पहले इसको क्या करें सॉल्व करें फिर मैं आपको आगे बताता हूं। देखते देखें मैं अगर सॉल्व नहीं करता हूं, अगर इसको मैं सॉल्व करूं अब वो स्टेप देखिएगा कंपेयर कीजिएगा बाद में मैं बताता हूं आपको। इसको मैं अगर सॉल्व करूं देखें ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये टू एक्स ये प्लस वन हो जाएगा, ये फार्मूला की जगह ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू वाई ये प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू 25। अब देखें देयर इज अ प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं वो 5 माइनस y वाली तो यहां भी मुझे पुट करनी पड़ेगी यहां पे भी मुझे पुट करनी पड़ेगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब देखें ये दो जगह पे अगर मुझे पुट करनी है तो उससे क्या बेहतर है कि अगर मैं x की वैल्यू सिर्फ एक जगह पे पुट करूं एक ही दफा मैं फार्मूला लगाऊं तो क्या वो बेहतर नहीं है, हां वही बेहतर है। देखें अगर मैं इस लंबी कहानी को थोड़ा कम करना चाहूं तो वो मैं कर सकता हूं। यहां से देखें x इज इक्वल टू फाइव माइनस वाई, ठीक है ये आ गया। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर इसको थ्री दें, पुट इक्वेशन नंबर थ्री एन इक्वेशन नंबर टू, ये y ये इक्वेशन है ये हमारे पास x इसमें पुट कर दें फाइव माइनस वाई ये प्लस वन स्क्वायर ये प्लस y प्लस वन ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आप अपना जब हाथ ज्यादा तेज चलाते ना कैलकुलेशन में कैलकुलेशन में तो आप अच्छे तरीके से सॉल्व ज्यादा कर पाते हैं क्योंकि ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं तो इसलिए टाइम लग जाता है। ठीक है, तो देखें माइनस वाई प्लस सिक्स होगा ये स्क्वायर है ये प्लस क्या हो जाएगा वाई प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है, यहां पर सिर्फ माइनस है ये क्या हमारे पास पॉजिटिव है
तो यहां पे जब फार्मूला देखते हैं ना, देखिए कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला, ये यहां पे भी ये लगेगा, यहां पे भी ये लगेगा, बट कोई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कहां पे कंफ्यूज होते हैं, वो यहां पे कंफ्यूज होते हैं, यहां पे आके इसको सिर्फ देखते हैं कि क्या कहते हैं कि यहां पे जो है वो माइनस का फार्मूला, भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये गलती भी नहीं कीजिएगा, गलती से भी गलती नहीं कीजिएगा। देखिए यहां पे देखना है, अगर यहां पे पॉजिटिव है तो आपको फार्मूला पॉजिटिव लगाना है, भले ये जाए बाहर में, इसका मसला नहीं है, मसला यहां पे है, ये पॉजिटिव है तो यहां पे पॉजिटिव लगाना है, ये बार बार मैं कह रहा हूं गलती कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने टीचिंग किया है तो ये मिस्टेक जो है ज्यादातर यहां से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी को मैं फार्मूला में लगाऊं, देखें इसी फार्मूला में, क्योंकि ये शेप है, इस पे रखना है मैंने, तो यहां पे ए क्या है, माइनस वाई है, ए की जगह रखूंगा मैं, माइनस वाई होल स्क्वायर है ये प्लस ये टू ए बी, ए क्या है, माइनस वाई है, ये बी जो है वो क्या है, पॉजिटिव सिक्स है, ये सिक्स, ये प्लस बी क्या है मेरे पास, पॉजिटिव सिक्स है ये स्क्वायर। अब देखें ये पॉजिटिव, ये हमारे पास वाई प्लस वन है, अब ये तो लगेगा ही लगेगा, यहां पे तो कोई मसला ही नहीं है, प्लस यहां पे अगर मैं लिखूं इसको फॉर्मूला में ब्रेक करूं, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू टू फाइव, ठीक है, तो देखें यहां पे ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर, ये जो बन जाएगा ये देखें टू इंटू सिक्स ट्वेल्व, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ट्वेल्व वाई प्लस ये क्या हो जाएगा 36, ये प्लस वाई स्क्वायर ये प्लस टू वाई ये प्लस वन इज इक्वल टू 25। अब यहां पे आप इसको कंपाइल कर दे, भले ये और ये वाई स्क्वायर है, ये क्या प्लस वाई स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा यहां पे टू वाई स्क्वायर, ये देखिए माइनस 12 वाई है ये प्लस 12 टू वाई है तो माइनस 10 वाई बचेगा, ठीक है भाई, ये क्या 36 है, ये क्या 1 है, तो 36 प्लस 1 क्या आ जाएगा 37, ये इज इक्वल टू 25। अब 25 को लाएं यहां पे 2y स्क्वायर ये माइनस 10y ये प्लस 35 ये आ जाएगा माइनस 25। अब 35 से माइनस 25 गए तो कितने बचेगा हमारे पास 12, देखें 37 से 25 ये 12 बचेंगे, तो यहां पे मैं डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं 12 इज इक्वल टू 0 तो मैं लिख सकता हूं, हाँ तो मैं लिख सकता हूं। अब देखें अब एक और स्टेप है, देखें इसको मैं आपको और सिंपल करना चाहूं कि ये 10 है ये 12 है ये 2 है, तो 2 दूसरे सबसे कॉमन आ रहा है, तो 2 अगर मैं कॉमन निकालू तो ये वाई स्क्वायर है ये माइनस 5y ये प्लस 6 बच रहा है इज इक्वल टू 0, तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर निकालें, अगर मैं इसको अगर मैं यहां से मिटाऊं, इसके अगर आप फैक्टर निकालें, फैक्टर कैसे निकलेंगे देखें, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देखें 3 इंटू 2 6 हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस भी हो रहा है, माइनस 3y माइनस 2y क्या बच रहा है माइनस 5y, ये भी आपने ध्यान रखना है, तो y ये y माइनस 3 ये y सॉरी माइनस 2 कॉमन ये y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैं और स्टेप बढ़ाऊं इसको y माइनस 2 ये y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू मिल गई y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये दो इक्वेशन हमारे पास y की वैल्यूज आई क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, है ना, ये मिल गई। अब आपका काम ये है कि यही y y इज इक्वल टू 2 पुट करें इस इक्वेशन में, या इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2 पुट करें इस इक्वेशन में, देखें क्या मिलता है, फिर y इज इक्वल टू 3 इसी इक्वेशन में पुट करें देखें क्या मिलता है, मुझे कमेंट में बताएं कि आपने क्या गेट किया, ठीक है, प्लीज ये जरूर बताएं, आप सॉल्व करके मुझे बताएं, ताकि ऐसा ना करें आप बस जस्ट वीडियो देख रहे हैं और बस और कुछ नहीं कर रहे हैं, वीडियो देखने के साथ साथ आप अपने साथ पेन और पैड रखें, नोटबुक रखें आपके अपने साथ, ताकि आप लोगों को फिर वो मतलब नोट करने में आसानी हो, आपको पॉइंट्स मतलब के इकट्ठे करने के लिए आसानी हो, सिर्फ वीडियो देखें नहीं आप बस मैं तो वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है कहीं पे भी आप वीडियो देख रहे हैं, बट जब आप अपना एक टाइम सेट कीजिए,
के वीडियो देखना है तो आप लोगों ने अगर एजुकेशनल कोई भी तो आप अपने साथ पेन और पेज साथ रखें और पॉइंट आउट करते जाएं जो भी आपको नोट अच्छे लगे, ठीक है। तो यही वैल्यूज इसमें पुट करें और एक्स और वाई की वैल्यूज मुझे बताएं और मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज की वीडियो दो या तीन और हैं, दो और होंगी, ठीक है। सो गुड लक एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।